देखो बेटा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो फर्स्ट लॉ था बेटा थर्मोडायनेमिक्स का, और उसके साइन कन्वेंशन मैंने बताए थे, लॉस कर रही है तो माइनस, गेन कर रही है बेटा प्लस, ये करा था आपने, तो उसी के बेस पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना बेटा, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना तो प्यारे बच्चों आपने पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या है, जैसे क्वेश्चन यो है कि इलेक्ट्रिक हीटर जो है सप्लाई कर रहा, सप्लाई द हीट टू ए सिस्टम, एक सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहा है एट ए रेट ऑफ, सप्लाई कौन का दे रहा है, निकल तो नहीं दे रहा है तो प्लस होगी, तो इसका मतलब क्या दे दिया, ये हीट एनर्जी दे रखी, दैट इज डी क्यू, कितनी दे दी 1000 वाट। अरे वाट का मतलब होता है बेटा, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, क्योंकि वाट क्या होता है बेटा, वाट होता है पावर, क्या होती है बेटे पावर, और पावर क्या हो रहा है वर्क बाय टाइम, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और टाइम की सेकंड, तो 1000 जूल पर सेकंड, ये क्या दे दिया बेटा डी क्यू दे दिया आपको, ठीक है बेटा, मीन डी क्यू बाय डी टी दे रखा, हीट एनर्जी सप्लाई जो हो रही है पर सेकंड कितनी हो रही है, एक सेकंड में कितनी हो रही है 1000 जूल, एक सेकंड में 1000। तो रेट बोल रखे बेटा, कहता है इफ द सिस्टम परफॉर्म द वर्क, सिस्टम ने वर्क कराया एट ए रेट ऑफ, इसका मतलब कितना काम कराया सिस्टम ने, वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम में डब्ल्यू प्लस, तो इसका मतलब है डी डब्ल्यू भी क्या दे रखे आपको प्लस का कितना 75 जूल पर सेकेंड, क्या काटना है रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्या काटना बेटा डी यू निकल, निकल जाएगा बेटा फर्स्ट लॉ लगाओ, क्या था डी क्यू बराबर है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, अच्छा डी यू निकालना नहीं इधर ले आओ, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा डी यू, डी क्यू कितना है 1000, कितना बेटा माइनस यू कितना है 75, बेटा यो कितना आपका 1000 100 है बेटा 1000 है, कितना बेटा 1000 में तो 75 गया, कितना बच गया 925, कितना होगा 925, तो डी यू कितना है आपका, आपका आंसर आया दैट इज 925 जूल पर सेकेंड या 925 वाट, क्या आएगा बेटा 925 वाट या 925 जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, दूसरा क्वेश्चन इफ, देखो बेटा ए लिखो गिवन, गिवन लिखते हैं क्या दे रखा है 110 जूल जो है हीट एनर्जी ऐड, ऐड का मतलब दी है, तो क्या दे दिया डी क्यू दे रखी तो प्लस 110 जूल, और क्या बोलने बेटा टू ए सिस्टम वेयर इंटरनल एनर्जी कितनी है 40 का अगर प्लस लिख रहा तो प्लस ही तो है, तो डी यू कितना दिया 40 जूल, के काटना है अमाउंट ऑफ वर्क डन, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि डी क्यू बराबर डी यू जमा डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू नहीं है रख दो बेटा, तो क्या होगा डी क्यू माइनस डी यू बराबर बेटा डी डब्ल्यू, तो प्यारे बच्चों कितना आया 110 में से 40 70, तो कितना होगा डी डब्ल्यू कितना होगा 70 जूल, क्या आएगा बेटा 70 जूल। अरे तो सुन लो बेटा, बाय द वे आपको यहां पर क्या दिया हो, आपको दिया कैलोरी, क्या दिया बेटा कैलोरी, एक दे दिया जूल नंबर, एक दे दिया कैलोरी में, तो क्या करोगे दोनों ने एक में कन्वर्ट करोगे, वन कैलोरी किसके बराबर है 4.2 जूल, तो यहां इसका मतलब है जब ऐसी टर्म आती है तो बेटा आपने 40 × 4.2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये जूल, अभी बताया था कि वन कैलोरी किसके बराबर है 4.2 जूल के, ये रहा एक कैलोरी की जगह 4.2 जूल, ये जूल में गर यू भी जूल में गया, क्लियर है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट कि इफ वी हैड ए सिस्टम ऑन विच, भाई बेटा पहले तो गिवन लिखो, गिवन क्या दिया है ऑन विच 10 जूल ऑफ वर्क इज डन, अच्छा सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क नहीं सिस्टम के ऊपर, तो बेटा क्या है कंडीशन प्लस लेके माइनस, माइनस कितना 10 जूल, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है बेटा, एंड इंटरनल एनर्जी जो है चेंज हो रही है, तो डी यू कितना दिया बेटा डी यू दिया आपका 3.5 जूल, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस होगी गेन होगी वो बेटा पता लग जाएगा प्लस माइनस, प्लस आई तो एब्जॉर्ब,
ठीक है बेटा, आर माइनस हो तो क्या हो जाएगी बेटा, रिलीज मीन लॉस, प्लस है तो गेन और माइनस है तो लॉस। तो बेटा देख लेते हैं क्या आएगा, डी डब्ल्यू ना डी के बराबर डी यू जमा डी डब्ल्यू। तो बेटा डी यू कितना है 3.5, अरे माइनस के 10 कितना होगा बेटा 6.5 आएगा लेकिन माइनस का, तो 6.5 जूल है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है लॉस, क्या हो रही है भाई लॉस हो रही है, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक, आ गया भाई क्या टर्म आ गई, मैंने कहा था जब भी एडियाबेटिक शब्द आ जाता है बेटा कौन सी टर्म, एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक टर्म के अंदर जो है आपने क्या करना बेटा, एडियाबेटिक टर्म में मैंने कहा था डी क्यू बराबर क्या हो रहा है जीरो, डी क्यू जीरो। तो भाई क्या रखा, तीन मोल किसी गैस के तीन मोल है, कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है माइनस के 100 जूल, मींस डी यू कितना दे रखा है आपको माइनस के 100 जूल, ये गिवन है बेटा, ये टर्म जो आपकी गिवन है। अरे बेटा क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ, निकल जाएगा भाई फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डी क्यू बराबर है डी यू जमा डी डब्ल्यू। हाँ बेटा तो डी क्यू कितना है जीरो, डी यू कितना है माइनस का 100 प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू में रहने दो 100 प्लस होगा प्लस हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू कितना आएगा आपका आंसर 100 जूल, कै का प्लस का, जब 100 जूल प्लस का जाता है तो वर्क इज डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम, वर्क डन कै का आएगा प्लस का आएगा, क्लियर है, इन्हें ये रखो इन अपराने जगह प्लस हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पांचवा, एट ये कहता है एक पर्टिकुलर सिस्टम गेम, गेम का मतलब भाई ले जाए प्लस, तो इसका मतलब गिवन क्या लिखोगे बेटा, गिवन में क्या भाई पर्टिकुलर सिस्टम गेन द हीट एनर्जी मींस डी के क्या ले होगा बेटा प्लस के 20, अच्छा किलो जूल, क्या बेटा 20 किलो जूल है, कहता है रिजल्ट इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी, 200 बेटा सॉरी कितना बेटा 200 बेटा, ये कितना बेटा 200 लो बेटा, कितना है बेटे ये है आपका 200 किलो जूल, ठीक है बेटा 200 किलो जूल, तो बेटा क्या है गेन ऑफ हीट एनर्जी है, क्या बेटा हीट एनर्जी गेन हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है प्लस ले लिया, कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी दी थी 129 किलो जूल के पूछा, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल जाएगा भाई फर्स्ट लॉ, क्या कहता है डी क्यू बराबर है डी यू जमा डी डब्ल्यू, बेटा डी क्यू कितना है 200 बराबर डी यू कितना है 129 प्लस डी डब्ल्यू, इन अपरा ले जाओ बेटा 200 में 129 गए 71 71 अंदर होगा तो कितना है 71 किलो जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और कैसा रहा है प्लस प्लस आ रहा है, अमाउंट विल बी डन बाय द गैस, ठीक है बेटा बाय द सिस्टम। अगला न्यूमेरिकल बेटा कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी है चेंज हो रही है किसी सिस्टम की कितनी प्लस 20 कैलोरी, मींस गिवन क्या है बेटा, गिवन है बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी मीन प्लस के 20 कैलोरी, कितनी है बेटा प्लस 20 कैलोरी है, ठीक है बेटा। अब कहता है एंड वर्क डन, और वर्क डन कितना दिया बेटा, वर्क डन दिया माइनस के 200 कैलोरी, भाई निकल जाएगा क्या दिक्कत है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ हीट का पता लग जाएगा, डी क्यू बराबर है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, भाई डी क्यू बराबर डी यू कितना भाई 20, अरे 200 में तो 20 गए माइनस 180 और किसमें यो कैलोरी में, और भाई माइनस आ गया तो हीट एनर्जी क्या हो रही है लॉस हो रही है, क्या हो रही है भाई लॉस हो रही है, और भाई यदि उसने आंसर पूछ लिया भाई उसमें लिखो जूल में फिर क्या करोगे 4.2 से मल्टीप्लाई, क्लियर हो गया बेटा। तो ये जो आपके क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है।